प्लीज आज की वीडियो मिस मत करना, पूरे नैनीताल का टूर होने वाला है जहाँ जहाँ हम जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बढ़िया ही होंगे। हम भी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और ज़बरदस्त हैं। नैनीताल घूम रहे हैं आजकल, और अभी मैं उसी धर्मशाला के बाहर खड़ा हूँ जहाँ हमने कल रूम लिया था 130 रुपये में दो बंदों का, और रूम इतना बढ़िया था, एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। बाकी देखो भाई, आज हम दोनों नए नए कपड़े पहन के रेडी हो चुके हैं, और ये धर्मशाला बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया कि क्या बताऊँ। इसका नाम भी बता देता हूँ मैं आपको, धर्मशाला यहाँ पे है 1954 से, मतलब उस टाइम से लगातार फ्री सेवा मिल रही है। एक तरफ से फ्री सेवा ही समझो, 70 रुपये में एक आदमी। ये तो बहुत खुश हो गया था, ये बोला मैं घर ही नहीं जाऊँगा, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं इस धर्मशाला में। दोस्तों यहाँ पे इस टाइप के जो घर बने हुए हैं बड़े गजब के दिखाई दे रहे हैं। हम आपको घुमाते हैं आज नैनीताल, और ये चलाएगा बाइक। अभी हमारे पराठे आ चुके हैं, उसके बाद हम जाएंगे नैनीताल लेक में। अभी पहुंच चुके हैं नैनीताल लेक में, आप देख सकते हो व्यू कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं। जितना मैंने फोटोज और वीडियोस में देखा था ना, उससे भी जबरदस्त और मस्त माहौल है भाई यहाँ पे, और मस्त हवाएं चल रही हैं। और बैकग्राउंड का नज़ारा देखो भाई, लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम भी जाएंगे। इसकी वीडियो सेव नहीं हो रही है, परेशान हो गया, पता नहीं, ये बोला मेरी किस्मत ही ऐसी है, सबकी ऐसी रहती है भाई। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में है, चाहे कोई कितना अमीर हो चाहे कोई कितना गरीब हो, साल में 3-4 ट्रिप तो ऐसी होनी चाहिए जहां आप सुकून से रह सको। आजकल चल रहा था दोस्तों हमारे बाथरूम का काम, और उसका लेंटर पड़ चुका है, तो उसके बाद काम फिनिश करने के बाद ही मैं यहाँ घूमने आ रखा हूँ। यहाँ से ठीक सामने एक ड्रम दिखाई दे रहा है भाई, अलग ही तैर रहा है वो। दोस्तों इस वाली लेक में मच्छी बड़ी खतरनाक है, ये देखो बहुत बड़ी बड़ी। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री तो मैं बहुत बार जा चुका हूँ क्योंकि मेरे आसपास के एरिया हैं, और पहली बार कुमाऊँ की सैर कर रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। चारों ओर एकदम अलग ही माहौल सा लग रहा है। इनके तैरना का स्टाइल देखो यार, पाँव क्या मस्त दिखाई दे रहे हैं। मैंने वोटिंग टिकट लिया, और यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया बात यह है कि प्राइस फिक्स है पहले से ही, कोई आपसे कम ज़्यादा नहीं लेगा। 320 में छोटा चक्कर है दो बंदों का, छोटा बोले तो 25 मिनट बहुत होते हैं, तो हमने 320 वाली टिकट ली है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि दो इंसान जाएंगे। आ गई है भाई हमारी वोट, चलें। तो मैं तो मस्त रेडी होके आया था कि वीडियो बनाएंगे, इन्होंने ये जैकेट पहना दिया है कि ये बदानी ताल में रहता है ना, तो इसके यहाँ भी ऐसा ही है सेम करके। बाकी अगर ये डूबेगा भी तो मैं इसको बचा लूंगा। और भैया कर रहे हैं बोटिंग, इनका डेली का काम है, इनके हाथ इतने मजबूत होंगे क्या बताएं। ओहो दोस्तों मजा आ रहा है काफी। अभी हम सेंटर एरिया में आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ से आसपास का माहौल काफी गजब का दिखाई दे रहा है। आने वाले 10-15 साल में ये जो हरियाली दिख रही है ना, ये भी नहीं रहेगी, सब जगह ऐसी घर बना देंगे लोग। दोस्तों अभी पहुंचे हम हनुमान मंदिर के पास में, और साथ में है यहाँ पे देवी माता का मंदिर, पाषाण देवी। तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों आज की बोटिंग राइड तो हमारी समाप्त हो चुकी है, 25 मिनट बोल के हम 30-40 मिनट घूम गए भाई। भैया बहुत बढ़िया थे, इसकी बहुत रील बनाई मैंने आज, मैं थक गया इसकी रील बना बना के। प्लीज आज की वीडियो मिस मत करना, पूरे नैनीताल का टूर होने वाला है जहाँ जहाँ हम जाएंगे।
तो चलो बने रहो वीडियो में। दूसरी जगह जा रहे हैं हम जू देखने के लिए। मैंने दिल्ली में देखा था, अब सीधे नैनीताल में ही देख रहा हूँ। जू तो बंद है आज, लेकिन देखो भाई ऊपर चढ़ा रहा था, यहाँ पे बैक आ गई गाड़ी, इसके चोट लग गई। चोट बोले तो घुम चोट। तो अभी हमने डिसाइड किया कि ड्रोन शॉट लेते हैं यहाँ से। पहले हमने परमिशन ले लिया आसपास वालों से, क्योंकि ऐसी चीज़ उड़ाने के लिए हमेशा परमिशन लेने की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे गाड़ी चढ़ाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। चलिए भाई ड्रोन वापस आ चुका है, अब आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं। दोस्तों अभी नैनीताल से हम काफ़ी टॉप पे आ चुके हैं, यहाँ का नाम है स्नो व्यू। और इस टाइम तो स्नो है नहीं, मार्च का महीने लग चुका है, उतने खास नज़ारे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके थ्रू देखोगे आप तो सारे दिखाई देंगे। अब जा रहे हैं दोस्तों हम दूसरी लोकेशन पे, भैया से मुलाकात हो गई है। हमने कहा रुद्रप्रयाग कभी भी आओगे, भैया हैं बागेश्वर से, तो सेवा का मौका ज़रूर देना। बाकी चलते हैं, भैया ने बताया एक लोकेशन है राजभवन, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। मिलेंगे भैया फिर, आना कभी हमारे रुद्रप्रयाग में। ठीक है भैया, तब बाय हैं। दोस्तों ये सारी पीक ऐसे लाइन में दिखाई देती है यहाँ से, जनवरी फरवरी के महीने में। अभी ये जो बनाया गया है ये अंग्रेजों के टाइम का बनाया गया है, और जैसे ये है ना, तो ये पीक की यहाँ पे मीटर में भी दे रखी है। जैसे यहाँ से जो चौखंबा है ना वो 142 किलोमीटर है सीध में, और जिस भी हम पीक पे देखेंगे और सामने देखेंगे तो वही वाली पीक दिखाई देगी। ये अंग्रेजों ने बनाया था अपने टाइम पे। देखो दोस्तों कुछ ऐसी लाइनें हैं, और यहाँ पे ईस्वी भी शताब्दी सब लिखा हुआ है। दोस्तों जितनी भी पीक मैंने अभी बर्फ़ में दिखाई ना, उन सभी के नाम और डायरेक्शन लिखा हुआ है, मतलब लंबाई में कितना है, यहाँ से सामने सीधे में कितना है। तो चौखंबा 142 किलोमीटर वाले गेम बड़े ज़बरदस्त हैं दोस्तों। गन उठा के नीचे जो बोतलें दिखाई दे रही है ना, कोई भी शॉट किसी भी मार सकते हैं। एक बात तो है दोस्तों, जैसा हमने सुना था ना कि गढ़वाली कुमाऊनी वाला सिस्टम, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई यहाँ पे। यहाँ पे कुमाऊं के लोग हैं और इतने बढ़िया ट्रीट कर रहे हैं ना, क्या बताएं। मतलब हर कोई बोल रहा है हमारे घर आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, जो भी कुमाऊं साइड से वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पे जब हम लोगों से भी मिले ना, तो सभी बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ से बढ़िया है यहाँ के लोग ना भाई, सब बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रहे हैं। गन से फोटो खिंचाई फ्री में, शॉट मारे फ्री में, शॉट मारे वहाँ का टेलीस्कोप देखा फ्री में। जबकि इन सब चीज़ों के चार्ज लगते हैं दोस्तों, लेकिन भैया का बिहेवियर इतना बढ़िया था ना भैया लोगों का, उन्होंने कहा लो तुम फ्री में देखो, क्योंकि आजकल पीक सीजन है नहीं ना। दोस्तों राजभवन गए थे, वहाँ तो बंद था, 4 बजे बंद हो जाता है, तो उसके बाद हमने सोचा हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। अब आ रखे हम हनुमानगढ़ी। देखो भाई यहाँ से स्टार्टिंग है प्रवेश द्वार, ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। अभी बढ़िया से भगवान जी के दर्शन हो चुके, और ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी को 1950 में नीम करोली बाबा जी ने स्थापित किया था। वहाँ अंदर वीडियोग्राफी कहीं भी अलाउ नहीं है, ना वीडियो ना फोटो। हमने सोचा ड्रोन के माध्यम से आपको आसपास के नज़ारे दिखा देते हैं। दोस्तों अभी आ गए हम नैनीताल स्टेडियम में, यहाँ पे देखो मस्जिद भी है, चर्च भी है, और अमर उजाला जो प्रेस होती है ना, तो वो भी है यहाँ पे ठीक सामने। ये हाइट पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे चढ़ने वाला है भाई, यहाँ पे आप चढ़ सकते हैं।
सो आजकल सूर्यास्त तो 6:30 बजे हो रहा है, लेकिन नैनीताल में काफी जल्दी हो जाता है। अभी 5 ही बजे हैं और यहाँ सूर्यास्त हो चुका है, ऊपर ऊपर धूप बची हुई है। ये कौन सी फील्डिंग है दोस्तों, मैंने तो पहली बार देखी है भाई। पहुंचे हैं माँ नैना देवी मंदिर में, आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। बाकी देखो इस साइड झील है और इधर है माता रानी का मंदिर, काफी खूबसूरत और सुंदर दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे शाम के समय 7 बजे माता रानी की आरती होती है, तो उस टाइम दिखाएंगे आपको। लोकेश देख रहा है भाई अपने लिए बढ़िया जैकेट, बटन तो लगा इसके, ठंडा बहुत है यहाँ, जितना हमने सोचा था उससे डबल ठंडा। ये जैकेट ही नहीं लाया घर से। तो नैनीताल में नैना देवी मंदिर साइड लगता है नाइट मार्केट, जबरदस्त वाला। अगली वीडियो आप जरूर देखना, पूरी रात को कवर करेंगे पूरे नैनीताल को, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं और पूरा मार्केट कवर करेंगे। तो नैनीताल में हम खा रहे हैं ये, इसका नाम पता नहीं है लेकिन बढ़िया दिख रहा है, इसमें चीज डला हुआ है, तो मैंने सोचा इसको भी खिला देता हूँ। मैंने पहले खा रखा है ये, पर यहाँ नहीं। डेली तो हम पहाड़ी खाना खाते हैं, कभी कभार फास्ट फूड चलना चाहिए यार, कभी कभार महीने में एक दो बार। ये बड़ा गजब का दिखाई दे रहा है यार, गजब बना भी रहे हैं भाई। और गजब बना भी रहे हैं भैया बोल रहे हैं। ये इसकी प्रोसेसिंग है दोस्तों। दोस्तों दिखने में कुछ ऐसा था, हमको लगा ऐसे मिलेगा लेकिन ये मिल गया। पर ये सब अंदर है, बल इसके ये बार बार सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है, अंदर इसके सारी फीलिंग हो गई है। अभी मैंने थोड़ा टेस्ट कर लिया, बहुत गजब का लग रहा है। तो यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, यहाँ सिनेमा हॉल भी है, हमको पता ही नहीं था, वरना ये वाली मूवी जरूर देखते, अजय देवगन की, मेरा फेवरेट एक्टर है ये। तो इसको ये पसंद आया और ये है लेडीज, अब बोला कि बढ़िया था बल, तो पहन लेना। ये है जेंट्स में, ये इसको अच्छा लग रहा है। मैं ये लोड़ो जन दुए नहीं बोल सालू बिटिन सुबेर बिटिन क्यों खाने लगी हूँ, ये लियोन मैं तेल लियोन लियोन कुछ नहीं। तो यहाँ सबसे बढ़िया बात ये, अगर आपके पास बाइक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 400 से लेकर 800 तक बाइक मिल जाती है। 5-6 जगह है बढ़िया बढ़िया घूमने के लिए, जो कि हाइट वाली एरिया पे है, तो आप वहाँ जा सकते हो। जैसे हम जू गए तो जू हमें वहाँ मिला, फिर हम गए राजभवन तो वहाँ भी ऐसी था, बंद हो गया था, 4 बजे बंद हो जाता है। तो कल थोड़ा बहुत जगह हम कल घूमेंगे। जो बड़ी गाड़ियां हैं दोस्तों वहां तो पैसे देने पड़ते हैं पार्किंग पे लगाने के लिए, लेकिन बाइक हम ऐसे कहीं भी खड़ी कर सकते हैं। ये हमारे देखो भाई बहुत शॉपिंग कर रहा था, लास्ट में देखो ऐसे ठंड से ऐसे ही मर रहा है, अब रात को करेंगे इसकी शॉपिंग बढ़िया से। यहाँ इतना हाई लेवल वाला ठंडा है क्या बताएं दोस्तों, लेकिन जो ये हवेली है ना, हवेली बोलेंगे हम इसको, इतनी बढ़िया क्या बताएं। बाकी दोस्तों अभी हम रूम पे पहुंच चुके हैं, ये है लोकेश का बेड, ये है मेरा बेड, और देखो भाई हमने ना तैयारियां शुरू कर दी है कहाँ जाने की, नाइट मार्केट। पहले हम जाएंगे नैना देवी मंदिर, फिर पूरा मार्केट घूमेंगे नैनीताल का, आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम, बाय।